याद है वो दिन जब मैं और मेरे टीम गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज बहुत दिन बाद, मतलब महीनों के बाद मैं अच्छे से खाली हुआ, थोड़ा सा खाली हुआ कि मैं व्लॉग कर सकूं और आप लोगों को दिखाऊं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा यार, क्या ही दिन चल रहे हैं, इतना हेक्टिक, इतना बिजी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना तो मैं कभी था नहीं लाइफ में जितना बिजी मैं इस समय चल रहा हूँ। फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर एक और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, इतनी ट्रैवलिंग हो रही है, मतलब आज यहाँ है तो कल पता नहीं कहाँ है, अभी भी कहीं और निकलना है मुझे थोड़ी देर में। और ये व्लॉग जब आप देख रहे होगे तो प्रॉबर्ली मैं दिल्ली में होऊंगा, ये मैं बहुत दिन, आज है 10th of September, आज 10 सितंबर है, और जब तक आप ये व्लॉग देखोगे मैं ऑलरेडी दिल्ली में होऊंगा और वहाँ के बहुत कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तब तक तो ये मैं ऐसे ही रैंडमली शूट करने वाला हूँ जो मैं इतने दिन तक करूँगा, ट्रैवलिंग हो गई, कुछ भी चीज़ें हो गई, तो मैं ये सब चीज़ें मैं एक क्लिप बना रहा हूँ, एक समझ लो कि कंपाइलेशन, कि मैं इतने दिन में क्या करूँगा, कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं प्रॉपर ब्लॉग बना सकूँ, तो मैं एक कंपाइल बनाऊँगा अपने सारे दिन तक मैं क्या क्या कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने सोचा है अपनी वीडियोज़ के लिए, अपने ब्लॉग के लिए, होप कि मज़ा आएगा। बस अभी जस्ट थोड़ा सा सामान पैक करना है और निकलते हैं, और जहाँ जा रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ यूनिक नहीं तो उसको शायद शूट ना करें, लेकिन वहाँ से मैं अभी जाऊँगा बहुत जल्दी, मतलब प्रॉपरली। तो अब मैं खाली बैठा था और आज संडे भी था और मैं खाली हो चुका हूँ कुछ दिन के, ऑलमोस्ट 4-5 दिन के बाद बहुत फ्री हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना घर के जो छोटे मोटे काम हैं, जो मतलब वो ऐसे नहीं होते जो काम कुछ होते हैं जो लड़के ही कर सकते हैं और मम्मी लोग उतना नहीं कर पाती हैं छोटे मोटे काम, तो मैं सोचा क्यों जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं वो काम निपटा दूँ, क्योंकि अब से मेरा भाई भी नहीं है, वो जा चुका है, यहाँ से चला गया पढ़ाई अपने अपने कॉलेज पे, और मैं भी कुछ दिन चल जाऊँगा तो ऑल अलोन, मेरी मम्मी अकेली हो जाएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती जो मम्मी नहीं कर पाती हम लोग कर सकते, तो मैं सोचा जब तक हम यहाँ पर हैं थोड़े बहुत जितने भी ये सब काम होते हैं मैं निपटा डालूँ। तो बस जितनी भी दिक्कतें हैं, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब ठीक करेंगे इसमें। भाई लिटरली सिर्फ एक काम किया घर का भी, घर का क्या हाल देखो यार। दिस इज डे टू, आज है मंडे 11th of September, और अभी मैं बैठा हूँ अपने फेवरेट लोकेशन, फेवरेट प्लेस जो कि है ये, नो कितना दिख रहा है आप लोग को, लेकिन ये एक डैम है, डैम का मतलब पीछे का रिजर्वॉयर है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है यहाँ का और मेरे लोकेशन का। यहाँ पे इतना सुकून और शांति ना क्या बताओ, मतलब कभी भी आ जाओ, अगर स्पेशली आप 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद आते हो तब तो यहाँ पे अलग ही सुकून और शांति मिलता है, तो आई जस्ट लव दिस प्लेस। हम राइट नाउ थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे और फिर वी बैक टू होम। एक और बात जो मुझे इस चीज़ की, इस जगह की बेस्ट दे सकती है, आज देखो इस समय मानसून चल रहा है और पीछे का नज़ारा देखो क्या ही मतलब, एकदम देख के मज़ा आता है यार, देखो तो पूरा हरा भरा हर जगह है। ऐसे मुझे पहले हरियाली इतनी पसंद नहीं थी, कि बारिश का मौसम मुझे इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे देखता हूँ ना दूर से तो देखने में अच्छा लगता है। हाँ वो बात अलग है कि मुझे ज़्यादा कीचड़ उचड़ पसंद नहीं है। सी यू टुमारो। तो दिस इज़ J3, आज है 12th of September और अभी रात के बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं इस समय, मैं इस समय अपने छत पर हूँ, और अभी क्या है कि यहाँ पे लाइट नहीं है,
और लाइट नहीं है क्या मतलब है कि सुबह से लाइट नहीं है, एक बार टेबल डेड हो चुका है और अभी जस्ट क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आज पूरा दिन कुछ भी नहीं किया, बस जब तक थोड़ा सा उजाला था थोड़ा बहुत काम किया, पढ़ाई किया, उसके बाद से तो कुछ हुआ नहीं है, बस बैठे हुए हैं फ़ोन चला रहे हैं। अच्छा कुछ अपडेट नहीं है, तो सी यू टुमारो, बाय। हाँ जी, तो आज है डे 4 और आज है 13 सितंबर, मेरा एग्ज़ाम है आज, तो अभी चलते हैं एग्ज़ाम दे के आते हैं फिर उसके बाद। तो जस्ट केम फ्रॉम द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद मैं गया था अपने चश्मे की शॉप पे जहाँ पर मैं जल्दी अपना चश्मा बनवाता हूँ। ये मैंने कुछ दिन पहले बनवाया था, ये फ्रेम फास्ट ट्रैक का है, और इसके बाद मैं एक और चश्मा बनवा रहा हूँ अपने लिए, वो मेटल फ्रेम है। मैंने मल्टीपल्स ऑफ फ्रेम देखे, उसमें से मुझे एक पसंद आया, वो कौन सा फ्रेम है मैं कल दिखाऊंगा आप लोग को। ऑलराइट एवरीवन, दिस इज डे 5 और आज लास्ट डे है इस कंपाइलेशन वीडियो का और मेरा लास्ट एग्ज़ाम भी है। इस एग्ज़ाम के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम से फ्री हो जाऊंगा, लेकिन आगे आने वाले बहुत चीज़ें अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और कल कहीं निकलना है फिर से दोबारा, तो बस अभी चलते हैं एग्ज़ाम देख के फिर अपने वापस। ऑलराइट एवरीवन, बस आज का दिन यही समाप्त होता है, अभी शाम के बज गए हैं 9 और अभी बस आज दिन में कुछ नहीं किया है, बस अपना कॉलेज वापस आया, उसके बाद मैंने अपनी फुल जेब पूरा पैकिंग किया है क्योंकि मुझे कल निकलना है कहीं और। और इस वीडियो को भी आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप दोस्तों अगले ब्लॉग में, और जो मैं कल जा रहा हूँ उसका प्रॉपर ब्लॉग आएगा, प्रॉपर ब्लॉग शूट होगा उसका, डोंट वरी अबाउट दैट। सो इस सीरीज़ अगर आपको पसंद आया यहाँ तक देख लियो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो उस वीडियो को, मिलते हैं आप दोस्तों अगले ब्लॉग में, टिल देन मजे करो, बाय बाय।